दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम जानने वाले हैं दुनिया के 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यानी रोचक तथ्य के बारे में। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारी दुनिया में हर एक चीज़ रोचक है, लेकिन आज इस वीडियो में आप कुछ ऐसे रोचक तथ्य जानेंगे जो आपको शायद इससे पहले पता ना हो। फैक्ट नॉलेज की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फैक्ट नंबर 10, दुनिया का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम लॉर्ड्स है। करीब 28,000 दर्शकों की क्षमता वाला यह स्टेडियम सन 1814 में बना था। इस स्टेडियम का नाम स्टेडियम के फाउंडर थॉमस लॉर्ड्स के नाम पर रखा गया था। थॉमस ने इंग्लैंड के लिए करीब 15 साल क्रिकेट खेला था। लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम ने वर्ल्ड कप के इतिहास में सर्वाधिक 5 बार वर्ल्ड कप फाइनल की मेजबानी की है। फैक्ट नंबर 9, किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन। क्या आप जानते हैं कि आमतौर पर इंटरनेट बेहद स्मूथली चलता है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया था जब इंटरनेट के 3 बड़े प्लेटफॉर्म गूगल, ट्विटर और विकिपीडिया एक दिन में क्रैश हो गए थे। वो दिन था 25 जून 2009। दरअसल उस दिन किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की डेथ हो गई थी और पूरी दुनिया उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक थी, जिस कारण ऐसा हुआ था। फैक्ट नंबर 8, दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन बनाने वाला देश और जहां नहीं है एक भी वृद्धाश्रम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सिर्फ 38,394 किलोमीटर स्क्वायर में फैला भूटान देश पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन बनाने वाला देश माना जाता है, क्योंकि यहां के 70% हिस्से में जंगल है। जबकि इस देश की एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भूटान में एक भी वृद्धाश्रम नहीं है। फैक्ट नंबर 7, जब पहले विश्व युद्ध एक दिन के लिए रुका था। क्या आप जानते हैं जब प्रथम विश्व युद्ध अपने चरम पर था, तब विश्व युद्ध के बीच में एक ऐसा दिन आया था जब बिना किसी घोषणा के युद्ध एक दिन के लिए रुक गया, और उस दिन दोनों तरफ के सैनिकों ने नो मैन्स लैंड पर आकर न सिर्फ खाना खाया बल्कि फुटबॉल भी खेला। लेकिन इसके अगले दिन से युद्ध फिर शुरू हो गया। युद्ध को रोकने वाला वो स्पेशल डे 25 दिसंबर 1914 था, जिसे हम क्रिसमस डे कहते हैं। यानी वो जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन था जिसने इस भयंकर युद्ध के बीच मानवता को उजागर किया। फैक्ट नंबर 6, जब ICC ने दक्षिण अफ्रीका को किया था बैन। क्या आप जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम को 1970 से 1992 तक क्रिकेट से बैन कर दिया गया था। दरअसल दक्षिण अफ्रीकी सरकार की रंग भेद नीति के कारण ICC ने दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम को बैन कर दिया था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीकी सरकार की रंग भेद नीति में कुछ ऐसे नियम थे जिसने ICC को दुविधा में डाल दिया था। दक्षिण अफ्रीकी सरकार के नियमों के मुताबिक साउथ अफ्रीका को श्वेत देश इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलने की इजाज़त थी, और इसके साथ ये भी शर्त थी कि विपक्षी टीम में श्वेत खिलाड़ी खेलेंगे, जिस वजह से ICC ने दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम को बैन कर दिया था। फैक्ट नंबर 5, दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक आईना। आईना हर इंसान के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, और आपने भी अपनी लाइफ में कई तरह के आईने देखे होंगे। लेकिन क्या आपने दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक आईना देखा है? बोलीविया में एक ऐसी जगह है सालार दे यूयूनी, जहां दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक आईना है, और जिसे सबसे बड़ा फ्लैट साल्ट लेक यानी जमा हुआ लेक भी कहते हैं। और जब यहाँ बरसातों में बारिश होती है और शीशे वाले लेक में पानी गिरता है, तब ये लेक एक मिरर जैसा नज़ारा बनाता है। ये नज़ारा इतना खूबसूरत होता है कि इसे बॉर्डर बिटवीन हिवन एंड अर्थ कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4, पीले ढक्कन वाली कोका कोला। क्या आप जानते हैं कोका कोला कंपनी साल में एक बार पीले ढक्कन वाली बोतल मार्केट में उतारती है, क्योंकि बसंत के महीने में यहूदियों का एक धार्मिक त्यौहार पास ओवर आता है। इस दौरान उन्हें गेहूं, जौ, मक्का, चावल खाना सख्त मना होता है, और कोका कोला में कॉर्न सिरप होता है। यहूदी लोग इसे पीने से बचते हैं, इसलिए कोका कोला में कॉर्न सिरप की जगह चीनी मिलाई जाती है। इसे कोशर कोक कहा जाता है। इसकी मार्केटिंग पीले ढक्कन में की जाती है ताकि लोग इसे तुरंत पहचान लें। फैक्ट नंबर 3, दुनिया का सबसे अनोखा बीच। दुनिया में कई अनोखे बीच यानी समुद्री किनारे हैं जो अपनी बनावट के कारण टूरिस्ट का ध्यान खींचते हैं। कैलिफोर्निया के फोर्ट ब्रेग में भी एक ऐसा बीच है जिसे ग्लास बीच के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये बीच नेचुरल नहीं है, बल्कि 20वीं सदी में फोर्ट ब्रेग के निवासियों ने घरेलू कचरा पहाड़ों से नीचे फेंकना शुरू किया। न सिर्फ कांच के टुकड़े बल्कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस और गाड़ियों के पार्ट्स भी फेंके जाने लगे। इसके बाद पानी से कचरा तो निकाल लिया गया, लेकिन कांच के टुकड़े वहीं रह गए, और इस बीच पर करोड़ों की संख्या में रंग बिरंगे कई आकार के कांच के टुकड़े आज भी फैले हुए हैं। फैक्ट नंबर 2, दुनिया का सबसे खतरनाक जहर।
आपने साइनाइड जहर के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिसको चखते ही इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन इस दुनिया में साइनाइड से खतरनाक एक और पॉइजन है, जिसका एक ग्राम जहर ही हजारों लोगों को मार सकता है, पोलोनियम-210। ये एक ऐसा जहर है जिसके एक बारीक कण से आधे सेकंड में इंसान की मौत हो सकती है। पोलोनियम-210 की खोज मशहूर भौतिकवादी और रसायन शास्त्री मैरी क्यूरी ने साल 1898 में की थी, और इस जहर से मरने वाली पहली शख्स मैरी क्यूरी की बेटी इरीन जूलियट क्यूरी थी। इंसान की बॉडी में जाकर ये जहर इंसान की जान तो ले लेता है, लेकिन इस जहर की सबसे बड़ी बात यह है कि यह जहर इंसान की बॉडी में है या नहीं, ये पता लगा पाना बेहद मुश्किल है। फैक्ट नंबर 1, दो समुद्र आपस में तो मिलते हैं पर घुलते नहीं। अलास्का में एक ऐसी जगह है जहां दो समुद्र आपस में तो मिलते हैं, लेकिन इन समुद्र का पानी आपस में कभी नहीं मिलता। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि दोनों समुद्रों के पानी का रंग अलग अलग है। एक समुद्र का पानी जो ग्लेशियर से निकलता है उसका रंग हल्का नीला है, जबकि नदियों से आ रहे पानी का रंग गहरा नीला है। वैज्ञानिकों का मानना है कि खारे और मीठे पानी के अलग अलग घनत्व होने की वजह से दोनों समुद्र का पानी आपस में तो मिलता है पर घुलता नहीं। तो दोस्तों, ये फैक्ट्स जानकर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।